न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज हम गुजरात के राजनीति की बात करने जा रहे हैं। गुजरात में भाजपा की अब अभी बोलबाला है। नरेंद्र भाई का चुनाव में निश्चित ही विजय होगा, वो सब जानते हैं, कांग्रेस वाले भी मानते हैं। इस बार 1212 या 13 में जब चुनाव होगा, भाजपा की सरकार बनेगी, वो सब मानते हैं और जानते हैं। उसमें कोई आईबी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई ज्योतिष को दिखाने की जरूरत नहीं। आज जो स्थिति है उसमें भाजपा का विजय निश्चित ही माना जा रहा है और निश्चित है ही। मैं एक बात फिर से गुजरात के माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल मैदान में आ गए हैं। ये केशुभाई पटेल एक समय गुजरात के बड़े ही दिग्गज नेता थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केशुभाई पटेल वो व्यक्तित्व है जिन्होंने गुजरात में भाजपा को मजबूत किया, भाजपा को सत्ता पर ले आने वाले, गुजरात में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने वाले दो व्यक्ति थे, शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल। शंकर सिंह वाघेला ने बगावत कर दी, भाजपा तोड़ के अलग पक्ष किया, कांग्रेस में चले गए। केशुभाई आज भी भाजपा में है। फिर से केशुभाई बाहर आए हुए हैं, उन्होंने नरेंद्र भाई के नेतृत्व को पड़कारा है, उन्होंने नरेंद्र भाई के सामने मोर्चा खोल रखा है। केशुभाई को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद जब नरेंद्र भाई को बिठाया गया, तब से 5 या 6 बार ऐसे मौके आए जब केशुभाई पटेल नरेंद्र भाई को महात दे सकते थे, नरेंद्र भाई की सरकार को गिरा सकते थे। खुद नरेंद्र भाई जानते हैं कि बार बार ये मौके आए जब विधानसभा के बहुमत धारा सभ्य नरेंद्र भाई के खिलाफ होकर केशुभाई के पास पहुंच गए थे। एक बार उनका जन्मदिन था, वहां गिनती लगी थी, पत्रकारों ने गिनती लगाई थी कि बहुमत जो है धारा सभा का वो उनके घर पहुंचा हुआ था, फिर भी वो पानी में बैठ गए। सूरत में एक बड़ा अधिवेशन रखा था, माना जाता था कि वो अधिवेशन में 5-7 लाख पाटीदार समाज का भोजन का भी इंतजाम किया गया था। माना जाता था कि बाबा केशुभाई पटेल बगावत करेंगे, नया पक्ष करेंगे या भाजपा में ही बगावत करेंगे और नरेंद्र भाई को हटा देंगे। मगर उस समय पता नहीं क्या हुआ, अडवाणी जी ने कुछ कहा या नरेंद्र भाई ने कुछ कहा, केशु भाई वो फंक्शन में ही नहीं गए और बहुत बड़ा फियास्का हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई केशु भाई की। तो केशु भाई ने खुद ही अपनी बार बार बेइज्जती कराई है। और केशु भाई के साथ में जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, वो बताते हैं, खुलेआम बताते हैं कि केशुभाई के जमाने में उनके जवाई ने, उनके दामाद ने और केशुभाई ने कई ऐसे डीलिंग किए हैं जिसकी फाइल नरेंद्र भाई के पास पड़ी हुई है। और जब भी केशुभाई बड़ी आवाज लगाते हैं, गर्जना करते हैं, तो कहा जाता है, हंसी मजाक में कहा जाता है कि नरेंद्र भाई वो जो फाइलें हैं उसकी जेरोक्स कॉपी जो है उसके ऊपर से धूल उड़ाते हैं तो बाबा को एलर्जी हो जाती है, बाबा घबरा जाते, केशुभाई घबरा जाते, उनकी जेरोक्स फाइल देखकर केशुभाई घबरा जाते। अब पता नहीं इस बात में कितना सच है, मगर केशुभाई की बदनामी की अगर कोई वजह रही है तो उनके दामाद है जो हमेशा उनके साथ घूमते रहे। और जैसे बेनजीर भुट्टो के पति, जब बेनजीर बड़ा प्रधान थी तब उसके पति देव मिस्टर 10% कहलाते थे, जरदारी साहब, ऐसे ही
केशु भाई के दामाद मिस्टर 10% के नाम से जाने जाते थे। तो अब वो जो फाइलें हैं वही केशु भाई की डर की वजह है। और बार बार देखा गया कि जब बहुमत, भाजपा का बहुमत, पार्टी का बहुमत, विधानसभा का बहुमत भी केशु भाई के साथ में पहुंच गया, फिर भी केशु भाई नरेंद्र भाई के सामने खड़े नहीं हो सके। और अब की बार जो वो खड़े हुए हैं, मेरी दृष्टि से उन्होंने मुद्दा गलत पसंद किया है। वो कह रहे हैं कि पटेल समाज भयभीत है, पाटीदार समाज जो गुजरात का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल समाज है, बहुत बड़ा समाज है, बहुत रईस समाज है। अब पापा कह रहे हैं कि वो भयभीत है, वो डरे हुए है, गुजरात में भय का साम्राज्य है। बापा का ये जो मुद्दा है केशु भाई का, वो ही गलत है। मैं नरेंद्र भाई की 100 बात पे टीका कर सकता हूं, मगर मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं कि नरेंद्र भाई ने एक केस को बात कर दो, हरेन पंड्या का केस बात कर दो, हरेन पंड्या की हत्या में नरेंद्र भाई का हाथ था ऐसा खुलेआम कहा जा रहा है, और नरेंद्र भाई और अडवाणी जी की आगेवाणी में जो सीबीआई काम करती थी उन्होंने जो जांच की वो जांच बिल्कुल गलत है ऐसा हाईकोर्ट ने भी तय कर दिया है। तो ये हरेन पंड्या के साथ नरेंद्र भाई ने कुछ भी विक्टिमाइजेशन किया, बाकी कांग्रेस का कोई नेता भी नहीं कह सकता कि नरेंद्र भाई ने उनके सामने इंक्वायरी बिठा दी, उनकी फैक्ट्री बंद करवा दी, या उनको कोई फाइनेंशियल लॉस करवा दिया, या उनके खिलाफ कोई केसेस दाखिल हो गए, या उनके खिलाफ सेलटेक्स वाले पड़ गए, गवर्नमेंट ऑफिसर पड़ गए, ऐसा कांग्रेस के नेताओं के साथ नहीं हुआ। हाँ, पुलिस ऑफिसर है 2-4 जो कह सकते हैं कि सरकार मेरे पीछे पड़ गई क्योंकि हम सरकार के पीछे पड़े थे, बाकी पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो नरेंद्र भाई ने कभी ऐसी नौबत नहीं आने दी है। तो बापा जो बात कह रहे हैं कि पटेल समाज भयभीत है, मैं आज कहने के लिए राजी हूं कि गुजरात में आज मुसलमान भी भयभीत नहीं है। 2002 के दंगों के बाद गुजरात में कोई बड़ी वारदात हुई नहीं, जब अक्षरधाम पर हमला हो गया तब भी गुजरात में शांति बनी रही, कहीं कोई जगह टेंशन दिखती नहीं है, कोई बड़ा आतंकवादी हमला बाद में हुआ नहीं अक्षरधाम के बाद में। तो गुजरात में कोई भयभीत है, कोई समाज भयभीत है, वो बापा की बात कोई मानेगा नहीं। बापा को चाहिए था कि वो रियल इश्यू लेके बाहर आते। वो कहते कि मैं नरेंद्र भाई के कामकाज से खफा हूं, वो कहते कि नरेंद्र भाई डिक्टेटर बन गए, वो कहते कि नरेंद्र भाई धारा सभ्यों को सुनते नहीं है, वो बात मुझे पसंद नहीं है। वो कहते कि ये जो मेले लग रहे हैं, ये इतने सारे उत्सव हो रहे हैं, सरकार का पैसा नष्ट हो रहा है, प्रजा का पैसा खर्च हो रहा है, वो मुझे पसंद नहीं है। बहुत सारी बातें थी। वो 9 साल तक गुजरात में लोकायुक्त कि अपॉइंटमेंट नहीं हुई, बापा कह सकते थे कि आप अपॉइंटमेंट करो, मगर कोई भी मुद्दा जो आम जनता को पसंद आए ऐसा कोई मुद्दा उठाने की बजाय बापा सिर्फ अपने पाटीदार समाज की बात कर रहे हैं। और वो समाज भी समझता है कि गुजरात में कोई डरने वाला नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा कि नरेंद्र भाई चाहे तो भी गुजरातियों को डरा नहीं सकते, ये बड़ी हिम्मत वाली प्रजा है। 1954 से हमने इतने तूफान किए हैं गुजरात में जिसकी कोई मिसाल नहीं है। गुजरात में जितने तूफान हुए, जितनी आंदोलन हुई, जितनी लाठियां चली, जितनी गोलियां चली, हमारे से 5 गुने बड़े उत्तर प्रदेश में भी ये नहीं हुआ और होगा भी नहीं। आज भी गुजराती एक खमीर वाली प्रजा है, एक हिम्मत वाली प्रजा है। यहां लश्कर भी आया तो लोगों ने रोड पे आके उसका स्वागत किया, लश्कर से भी डरे नहीं। तो गुजराती को डराना कोई आसान बात नहीं है। नरेंद्र भाई ने प्रयास भी नहीं किया, और डराना चाहते तो गुजराती डरते नहीं, बाहर आ जाते, रोड पे आ जाते। तो केशु भाई ने जो बात छेड़ी है कि गुजरात भयभीत है, वो बात कोई गुजराती स्वीकार करेगा नहीं। तो बापा अब रियालिटी पे नहीं है,
कहा जाता है भाजपा के नेता कहते हैं कि चुनाव आ रहा है, बापा चाहते हैं कि उसके समाज में वो कहे ऐसे उम्मीदवारों को, 20-30 उम्मीदवारों को टिकट मिल जाए, उसके लिए ये हो रहा है। अडवाणी जी कह देंगे कि तुम्हें 20-25 टिकट मिल जाएगी, ये सब ठंडा हो जाएगा। आज फिर हवा चलने लगी है कि केशु भाई कुछ करेंगे, केशु भाई नरेंद्र भाई के सामने पड़ेंगे, भाजपा में कुछ आंतरिक विग्रह होगा। मैं चाहता हूं कि भाजपा में आंतरिक विग्रह हो, भाजपा में एक संघर्ष हो, भाजपा में एक जागृति हो। एक नेता का होना, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, लोकशाही के लिए, पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अगर केशु बापा फिर से अपनी नेतागिरी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं। हम कहते हैं कि बापा आ जाओ, आप नेता आई, आप अपने आप घर में बैठ गए थे, किसी ने निकाला नहीं था, किसी ने कहा नहीं था कभी बापा को। बापा का आज भी कद इतना बड़ा है कि नरेंद्र भाई भी नहीं कह सकते कि केशु भाई को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने आप घर में बैठ गए थे, अब केशु भाई बाहर आए हैं, दहाड़ रहे हैं। मगर मेरी एक सुझाव है कि वो सही बात पे दहाड़े, वो ऐसी बात ना करे जो गुजरात की अस्मिता के खिलाफ हो। गुजरात में डराने वाली बात गुजराती को स्वीकार्य नहीं है, कोई डराएगा नहीं गुजरात को, गुजराती डरेगा नहीं। तो केशु भाई अगर बाहर आते हैं, सही मुद्दे को लेकर बाहर आ जाए, पार्टी में लोकशाही की बात करे, तो मैं समझता हूं कि भाजपा का, गुजरात का और देश का हित होने वाला है कि एक अच्छा नेता जो वर्षों से घर में बैठा रहा था वो आज बाहर आया हुआ है। हम सब वेलकम करते हैं केशु भाई को, क्या अच्छी बात है आप राजनीति में फिर सक्रिय हो रहे हैं। मगर गलत मुद्दे पर आप सक्रिय होना चाहते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।